हेलो एवरीवन सीबीएसई का बिजनेस स्टडीज़ का सैम्पल पेपर डिस्कस करते हैं हिंदी मीडियम में क्योंकि वेबसाइट पे तो केवल इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल है और हिंदी मीडियम में कहीं मिल नहीं पा रहा है तो इसलिए हिंदी में ट्रांसलेट किया है एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि टोटल कितने क्वेश्चन आ रहे हैं तो टोटल थर्टी फोर क्वेश्चन हैं जो हमें पेपर में करने को मिलेंगे जो कि एक नंबर तीन नंबर चार नंबर और छः नंबर के होंगे एक नंबर के ट्वेंटी क्वेश्चन तीन नंबर के चार क्वेश्चन चार नंबर के छः क्वेश्चन और छह नंबर के चार क्वेश्चन पेपर में कैसे आएगा क्वेश्चन नंबर एक से लेकर बीस तक वन मार्क क्वेश्चन ट्वेंटी वन से ट्वेंटी फोर थ्री मार्क्स क्वेश्चन जिनका आंसर फिफ्टी टू सेवेंटी फाइव वर्ड्स में हमें मोस्टली देना होगा और क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव से लेकर थर्टी तक फोर मार्क्स क्वेश्चन और जिसका आंसर हमें लगभग डेढ़ सौ वर्ड्स में देना होगा और क्वेश्चन नंबर थर्टी वन से थर्टी फोर तक सिक्स मार्क्स ईच जिसका कि लगभग आंसर शायद हमें टू हंड्रेड वर्ड्स में देना होगा लेकिन वर्ड लिमिट डिपेंड करती है कई बार क्वेश्चन के साथ में वेरी भी करती है हाँ ये मैक्सिमम लिमिट है जितने में हमारे क्वेश्चन का आंसर सिमट जाता है मोस्टली एक एक करके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो मटीरियल हमारा जिस जिस वीडियो में अवेलेबल है वो नीचे लिंक में मैं शेयर कर दूंगी वहाँ पे जाके देख सकते हो लेट अस स्टार्टअप अधिकारी के रूप में कार्यभार संभाला है एक प्रबंधक होने के नाते उसे संगठन प्रक्रिया का निष्पादन करना पड़ता है संगठन प्रक्रिया के बारे में कुछ कह रहा है यहाँ पर कार्य विभाजन और विभागीकरण के पश्चात उसे संगठन प्रक्रिया के किस चरण को पूरा करना होता है इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या आना चाहिए संगठन प्रक्रिया क्या होती है वो पता होना चाहिए इसकी वीडियो मैं नीचे लिंक में शेयर कर दूंगी जो हमने पहले भी डिस्कस की है ये चार ऑप्शन दे रखे हैं कार्य की पहचान और विभाजन विभागीकरण कर्तव्यों का निर्धारण और रिपोर्टिंग संबंध स्थापित करना क्या होगा इसका आंसर कुछ याद आया जब हमने संगठन प्रक्रिया डिस्कस की थी स्टेप वन कार्य की पहचान और विभाजन स्टेप टू विभागीकरण और तीसरा स्टेप कर्तव्यों का निर्धारण तो क्या होगा इसमें हमारा आंसर कर्तव्यों का निर्धारण अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भविष्य की घटनाओं का पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता विशेषता है तब जबकि पर्यावरण में बड़ी तेजी से परिवर्तन आ रहे हैं यह है कथन व्यवसायिक पर्यावरण की कौन सी विशेषता को दर्शाता है इसका मतलब इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि व्यवसायिक पर्यावरण की कौन कौन सी विशेषताएँ है होती हैं क्या क्या पढ़ा था हमने ये सारी विशेषताएं हैं जो हमने पढ़ी थी बाह्य शक्तियों की समग्रता विशिष्ट और साधारण शक्तियां आंतरिक संबंध गतिशील अनिश्चित जटिल इनमें से कौन सा आंसर लग रहा है अनिश्चित क्योंकि वहां पर लिखा हुआ है कि भविष्य की घटनाओं का पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता इसकी वीडियो नीचे लिंक में शेयर करी हुई है वहां से देख सकते हैं आप थर्ड क्वेश्चन देखते हैं आरोहन लिमिटेड एक ऑटोमोबाइल उत्पादक कंपनी है जिसके मुख्य कार्यों का विभाजन उत्पादन क्रय विपणन लेखा मानव संसाधन कैसा विभाग होता है ये कार्यात्मक संगठनिक ढांचा होता है जिसमें कार्यों के आधार पर विभागों का निर्माण किया गया है वो पूछ रहा है कि इस संगठन ढांचे की एक सीमा क्या है यानी कि हमें कार्यात्मक संगठन एक ढांचे की सीमा बतानी है इसमें से क्या लगता है आपको क्या लागत मूल्य बढ़ता है या प्रबंधक अधिकार पाते हैं और स्वयं को स्वतंत्र रूप से स्थापित करने के चक्कर में संगठन के हितों को भुला देते हैं कार्यात्मक संगठनिक ढांचे में तो अपने आप को स्वतंत्र रूप से स्थापित कर ही नहीं पाते हैं और सभी कार्यों पर पूर्ण ध्यान दिया जाता है यस ध्यान दिया जाता है पर ये कोई सीमा थोड़ी है ये तो अच्छी बात है कार्य प्रधान उच्च प्रबंध स्तरीय प्रशिक्षण नहीं पाते यानी कि वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं क्योंकि वो केवल अपने कार्य में ही एक्सपर्ट होते हैं जो काम वो कर रहे होते हैं उसी काम में एक्सपर्ट होते हैं तो थर्ड क्वेश्चन का क्या आंसर हुआ डी क्योंकि कार्य प्रधान अपने केवल अपने अपने क्षेत्र में एक्सपर्ट हो जाते हैं और बाकी और काम नहीं कर पाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्वेश्चन व्यवसायिक पर्यावरण से रिलेटेड है इसमें हमें इमेज देख के पहचानना है कि व्यवसायिक पर्यावरण के कौन कौन से आयाम है जिसमें सपना ने हाल ही में एक नए सॉफ्टवेयर पर काम करने के लिए कार्यभार संभाला है एक तो सपना नाम देने से मतलब क्या है कि यह एक महिला है और लेखांकन सॉफ्टवेयर पर काम कर रहे हैं यानी कि नई टेक्नोलॉजी की बात कर रही है हमने व्यवसायिक पर्यावरण के कितने आयाम पढ़े हैं बेटा पांच कौन कौन से आर्थिक सामाजिक राजनैतिक विधिक और तकनीकी तो इसमें कौन कौन सा लग रहा है हमें सामाजिक और दूसरा तकनीकी तो व्हाट इज आंसर ऑप्शन ए तकनीकी तथा सामाजिक पांचवे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं पांचवा क्वेश्चन एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है यह प्रबंध के महत्व का पॉइंट पूछ रहा है तो अगर प्रबंध के महत्व वाले पॉइंट्स याद है तो आप फटाफट -पट इसमें से पहचान लेंगे इसकी वीडियो नीचे लिंक में शेयर की हुई है दोबारा से उसको देख लेना क्वेश्चन नंबर सिक्स आठ नवंबर 2016 को भारत सरकार ने विमुद्रीकरण डिमोनिटाइजेशन की घोषणा की थी इस पूरी प्रक्रिया के दौरान कम रोकड़ से चलने वाली अर्थव्यवस्था बनाने का प्रयास किया गया था कैश लाइट इकोनॉमी के विपक्ष में एक तर्क बताना है अगेंस्ट इट हमें बताना है क्या क्या ऑप्शन सी बेटा इसमें इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए इंटरनेट अति आवश्यक है नेक्स्ट क्वेश्चन नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा हवाई किरायों से प्राइस कैप हटाने के निर्णय के परिणामस्वरूप प्राइस कैप का मतलब है कि अपर लिमिट मैक्सिमम लिमिट हटाने के परिणामस्वरूप अब एयरलाइंस कंपनियां अपने ग्राहकों को घटी हुई कीमतों का लाभ पहुंचा सकेंगी यदि समय रहते ही अवसर की पहचान शुरू में ही हो जाती है तो कोई भी व्यवसायिक फर्म अपने प्रतियोगी से पहले इसका लाभ उठा सकता है और निष्पादन में सुधार कर सकता है यहाँ पर वो हमसे पर्यावरण के महत्व पूछ रहा है और कह रहा है कि व्यवसायिक पर्यावरण के महत्व का कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर उजागर नहीं किया गया है ये चार पॉइंट्स हैं देखो इसमें से कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर उजागर नहीं किया गया है यहाँ पर हाईलाइटेड नहीं है ध्यान से देखेंगे तो हमें पता चलेगा वो यहाँ पर निष्पादन में सुधार की भी बात कर रहा है वो यहाँ पर नियोजन और नीति निर्धारण में सहायक होगा इस बारे में भी बात कर रहा है अवसरों की पहचान और पहल करने से लाभ होगा इसके बारे में भी बात कर रहा है लेकिन वो उपयोगी संसाधनों के दोहन के बारे में कहीं पर भी बात नहीं कर रहा है तो ये वो पॉइंट है जो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है ना क्वेश्चन नंबर एट आठवां क्वेश्चन देखें एएलओ लिमिटेड अपनी लागत कुशलता बढ़ाने के उद्देश्य से 400-500 कर्मचारियों को निकालने पर विचार कर रही है ऐसा करने पर वह प्रबंध के किस उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाएगी हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर वन में प्रबंध के कितने उद्देश्य होते हैं बेटा तीन उद्देश्य होते हैं कौन कौन से संगठनात्मक उद्देश्य व्यक्तिगत उद्देश्य और सामाजिक उद्देश्य संगठनात्मक में हमने क्या पढ़ा था जीवित रहना लाभ कमाना बढ़ोतरी करना सामाजिक उद्देश्यों में हमने क्या पढ़ा था पर्यावरण स्वच्छ रखना वंचित वर्गों को रोजगार प्रदान करना शिशु गृहों की स्थापना करना आसपास के क्षेत्रों का विकास करना और व्यक्तिगत उद्देश्यों में उनके वेतन में वृद्धि करना पदोन्नति करना या विकास के अवसर करना कौन सा पॉइंट है जो आपको लग रहा है अगर लोगों को नौकरी से निकाला जा रहा है तो कौन सा उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा है सामाजिक उद्देश्य तो वट इज द आंसर ऑप्शन बी नंबर राधा ने घर के बने खाने की डिलीवरी का काम शुरू किया है उसकी माता जी ने भी इस काम में उसकी मदद करने का फैसला लिया है डिलीवरी के आदेशों के लिए वह दोस्तों और परिवार पर आश्रित है यह सुनिश्चित करने के लिए कि कार्य योजनाओं के अनुरूप हो और ग्राहकों को अच्छी गुणवत्ता का खाना मिले उसने मानकों को गुणवत्ता तथा परिमाणात्मक गुणात्मक और परिमाणात्मक दोनों रूपों में निर्धारित किया है यहाँ प्रबंध के जिस कार्य का उल्लेख किया गया है उसकी एक विशेषता निम्न सबसे पहला काम क्या करना है हमें यहाँ पर वी हैव टू आइडेंटिफाई दी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट सो प्रबंध के कितने कार्य होते हैं पांच कौन कौन से नियोजन संगठन नियुक्तिकरण निर्देशन और नियंत्रण यही सारे पड़े हैं तो कौन सा वाला कार्य लग रहा है आपको यहाँ पर ये देखने के लिए कि कार्य योजनाओं के अनुरूप हो और ग्राहकों को अच्छी गुणवत्ता का खाना मिले जिसके लिए मानकों का निर्धारण किया जा रहा है और तुलना की जा रही है क्या होगा इसका आंसर बेटा नियंत्रण और नियंत्रण की कौन सी विशेषता है जो यहाँ पे उजागर की गई है ऑप्शन डी की है पीछे की ओर देखने वाला तथा भविष्य में देखने वाला दोनों है नेक्स्ट क्वेश्चन रमन और वासुदेव जिस आयात निर्यात कंपनी में कार्यरत थे उसी में धोखाधड़ी कर रहे थे कंपनी के वित्तीय प्रबंधक संपत सिंह को इस बात की भनक तब लगी जब उसने पाया कि कार्य योजनाओं के अनुरूप नहीं हो रहे हैं उसने एक ऐसा सॉफ्टवेयर लगवाया जो दोनों कर्मचारियों की हर गतिविधि पर नजर रखने लगा और गलत लॉगिन होते ही सीधे साइबर सेल में रिपोर्ट करने लगा यानी कि गलतियों को पकड़ रहे थे इसी कारण पुलिस दोनों अभियुक्तों को रंगे हाथ पकड़ पाई प्रबंध के किस कार्य का उल्लेख किया गया प्रबंध के कौन से कार्य में हम उनके कार्यों की गतिविधियों पर ध्यान रखते हैं कोई गलती है तो उसको पकड़ते हैं और उसको ठीक करने के लिए सुधारात्मक कार्यवाही करते हैं विच इज द करेक्ट आंसर नियंत्रण कंट्रोलिंग हमने नियंत्रण प्रक्रिया पढ़ा था ना इसका वीडियो में, वीडियो में का लिंक भी नीचे शेयर किया हुआ है वहां से दोबारा देख सकते हो अगर याद नहीं है तो क्वेश्चन नंबर इलेवन ग्यारहवा क्वेश्चन देखते हैं प्रबंध के उस कार्य का परिणाम बताइए प्रबंध के उस कार्य का जैसे उसने बोला इसका मतलब हमें प्रबंध के पांच कार्यों में से कोई एक आंसर ढूंढना है फटाफट हमारे फटा दिमाग में पांचों कार्यों के नाम स्क्रोल करने चाहिए नियोजन संगठन नियुक्तिकरण निर्देशन और नियंत्रण उनमें से कोई आंसर है हमारा यहाँ पर तो आप देख सकते हो जैसे हमने पांच कार्य बोला हमें क्या करना होता है ऑप्शंस को रूल आउट करना होता है तो नियोजन संगठन नियुक्तिकरण निर्देशन नियंत्रण तो हमें लगता है कि हमें संगठन और नियंत्रण दिखाई दे रहा है अधिकार अंतरण विकेंद्रीकरण तो कुछ कॉन्सेप्ट है तो कार्य का परिणाम बताइए जो एक रचना है जिसके अंतर्गत प्रबंधकीय और संचालन संबंधी कार्यो का निष्पादन किया जाता है और मनुष्यों के कार्यों और संसाधनों का संबंध स्पष्ट किया जाता है तो संबंध स्पष्ट किया जाता है किसमें संगठनिक ढांचे में सो वट इज आंसर दर ऑप्शन ए संगठनिक ढांचा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है पहली स्टेटमेंट है परिवहन समय उपयोगिता का सृजन करता है परिवहन क्या परिवहन समय उपयोगिता का सृजन करता है परिवहन स्थान उपयोगिता का सृजन करता है क्योंकि उत्पादन कहीं और हो रहा है और उपभोग कहीं और हो रहा है तो उत्पादन के स्थल से उपभोग के स्थल पर लेकर जाता है तो समय उपयोगिता तो गलत हो गया क्या होना चाहिए यहाँ पर स्थान उपयोगिता का सृजन करता है और भंडारण जो है वो स्थान उपयोगिता का सृजन करता है बिल्कुल रिवर्स है भंडारण जो है वो समय उपयोगिता का सृजन करता है क्यों करता है समय उपयोगिता का सृजन क्योंकि उपभोग और उत्पादन दोनों के समय में अंतर होता है जिस समय उत्पादन होता है उसी समय हम चीजों का उपभोग नहीं कर लेते हैं आज अगर गन्ना उगाया जा रहा है तो सारी चीनी आज ही नहीं खाई जाती है पूरे वर्ष भर हम पूरे साल हम चीनी को खाते हैं तो परिवहन जो है वो स्थान उपयोगिता और भंडारण जो है वो समय उपयोगिता का सृजन करता है तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया नाउ कथन नंबर टू उत्पादों को उनकी विभिन्न विशेषताओं के आधार पर विभिन्न समूहों में बांटना प्रमापीकरण कहलाता है हमने डिस्कस किया था अलग अलग समूहों में बांटना क्या कहलाता है सरलीकरण इसलिए दोनों कथन गलत हो गए तो हमारा आंसर कौन सा हुआ ऑप्शन नंबर डी दोनों कथन गलत हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मिलान करो वाला क्वेश्चन है वित्तीय बाजार कौन सा बाजार होता है जहां वित्तीय परिसंपत्तियों का विनिमय और सृजन किया जाता है द्वितीयक बाजार इसे स्टॉक मार्केट के नाम से भी जाना जाता है और प्राथमिक बाजार को नव निर्गमन बाजार के नाम से भी जाना जाता है उसको मैच करेंगे ऑप्शन ए बी सी डी में से देंगे क्वेश्चन नंबर फोर्टीन कॉन्ट्रैक्ट नोट पर लिखा कौन सा नंबर ऐसा नंबर होता है जो स्टॉक एक्सचेंज द्वारा प्रत्येक लेन देन को प्रदान किया जाता है हमने स्टॉक एक्सचेंज की पूरी ट्रेडिंग प्रक्रिया पढ़ी थी उसमें हमने ये चीजें डिस्कस की हैं तो इनमें से कौन सा आंसर है इसका ऑप्शन बी यूनिक ऑर्डर नंबर इसको नोट कर सकते हो बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक भी इसको ध्यान से पढ़ना वीडियो नीचे लिंक में शेयर करी हुई है क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन फिप के कार्यों के अंतर्गत डैश संग्रहित माल के प्रबंध से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लेता है क्या लेता है मार्केटिंग में संग्रहित माल के संबंध में निर्णय क्या ब्रांडिंग लेता है बिल्कुल नहीं मूल्य निर्धारण गलत प्रवर्तन भी नहीं लेता तो इसका आंसर क्या है ऑप्शन डी भौतिक वितरण क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन इसमें आपको गलत कथन कथन को पहचानना है प्रतिभूतियों को द्रवता उपलब्ध कराना शेयर बाजार का एक कार्य है ओके प्रतिभूतियों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में संरक्षित करना डी कहलाता है ओके सेबी भी भीतरी व्यापार पर रोक लगाने के लिए केवल नियामक कार्य करता है क्या सीबी केवल नियामक कार्य करता है और पूंजी बाजार में वाणिज्यिक बैंक विकास बैंक और शेयर बाजार सम्मिलित हैं तो क्या लगता है इसका आंसर क्या होना चाहिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ वैसे आप आइडेंटिफाई कर पा रहे होंगे कि इनमें से कौन सा कथन गलत है बाकी नीचे सोल्यूशन में पी फॉर्मेट में आपको दूंगी इसका आंसर खुद आप मुझे कमेंट करके बताओ कि कौन सा कथन है जो आपको गलत लग रहा है क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन विपणन की यह अवधारणा विपणन की अवधारणा का विस्तार है जिसमें ग्राहक संतुष्टि के अतिरिक्त विपणन का सामाजिक नैतिक और प्राकृतिक पक्षों पर प्रभाव भी देखा जाता है विपणन की कितनी अवधारणाएं है पड़ी हैं बेटा हमने पांच कौन कौन सी उत्पादन की अवधारणा उत्पाद की अवधारणा विक्रय की अवधारणा विपणन की अवधारणा और विपणन की सामाजिक अवधारणा उत्पादन की अवधारणा उत्पादन पर जोर देती थी उत्पाद की अवधारणा उसकी क्वालिटी पर विक्रय की ज्यादा से ज्यादा बिक्री द्वारा लाभ विपणन की अवधारणा ग्राहक संतुष्टि द्वारा लाभ और विपणन की सामाजिक अवधारणा जो थी वो विपणन की अवधारणा का विस्तार थी जो ये बताती थी कि हमें ग्राहक की आवश्यकताओं को तो ध्यान में रखना ही रखना है लेकिन साथ में हमें समाज को भी ध्यान में रखना है सो व्हाट इज आंसर ऑप्शन डी विपणन की सामाजिक अवधारणा नाउ क्वेश्चन नंबर एटीन उत्पाद की लागत उसके मूल्य का निचला स्तर निर्धारित करती है निचला स्तर का मतलब है कम से कम कितना प्राइस होना चाहिए और उसकी कौन सी डैश उसका ऊपर का स्तर निर्धारित करती है ऊपर के स्तर का मतलब है मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है वो तो इसमें ऑप्शन है अलग अलग हमने पढ़ा था किसी भी प्रोडक्ट के उसको निर्धारित मूल्य को निर्धारित करने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं उपयोगिता और मांग फर्म का विपणन प्रबंधक सरकार या फर्म के प्रतियोगी सो व्हाट इज द आंसर ऑप्शन ए उसकी उपयोगिता क्या यूटिलिटी है हमारे लिए उसकी वो डिसाइड करता है कितनी डिमांड है वो डिसाइड करता है कि उस प्रोडक्ट का प्राइस कितना होगा क्वेश्चन नंबर नाइनटीन विज्ञापन के विषय में इसमें से कौन सा कथन असत्य है विच इज़ नॉट ट्रू संप्रेषण का व्यक्तिगत स्वरूप होता है संप्रेषण का भुगतान स्वरूप होता है बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंचने की तकनीक है या लोच की कमी होती है क्योंकि इसे विभिन्न ग्राहकों की आवश्यकता अनुसार नहीं ढाला जा सकता कौन सा कथन है जो असत्य है हमने इसमें विज्ञापन के बारे में क्या क्या पढ़ा है जब हमने विज्ञापन वाला टॉपिक पढ़ा था तो उसकी तीन विशेषताएं पढ़ी थी नंबर वन भुगतान स्वरूप अव्यक्तिगत और चिन्हित विज्ञापन द्वारा किया जाता है तो अव्यक्तिगत यहाँ पर क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में व्यक्तिगत इसलिए यही हमारी ऑप्शन है जो गलत है बाकी सारी ऑप्शंस ठीक है हमारी नाउ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी इसमें शेयर बाजार की व्यापारिक प्रक्रिया के बारे में डिस्कस किया हुआ है और हमें उसको सही सीक्वेंस में लगाना है पहला आदेश का निपटारा डीमेट अकाउंट खुलवाना आदेश देना या आदेश को पूरा करना इनको सही सीक्वेंस में लगा के आप मुझे बताएंगे इसका सही आंसर क्या है और लास्ट में मैंने पी शेयर किया हुआ है आंसर उसमें से चेक कर सकते हो आपको याद है कि नहीं याद है और ट्रेडिंग प्रोसीजर की वीडियो नीचे लिंक में शेयर करिए ना वन मार्क के क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो गए हैं अब चलते हैं थ्री मार्क के क्वेश्चंस की तरफ